हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बस अ गर्ल इन दुबई। सो आज मैं आपके साथ अपनी मामा की, अपने मदर की अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपने मेरे एक व्लॉग में देखा होगा कि मैं अचार बना रही थी। सो आज मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा अचार बन गया है और बहुत ही टेस्टी बना है। सो बहुत ही ईजी है बनाना, तो चलिए शुरू। सो पहले मैं आम लाकर उनको अच्छे से कट कर कर उनमें हल्दी और नमक लगा कर उनको ओवरनाइट एक छन्नी या फिर कुछ जाली जैसी चीज़ में रख दिया था जिससे उसका पूरा पानी बाहर निकल आए। और उसके बाद मैंने उसको एक बेडशीट में ड्राई कर दिया है। आप धूप में भी सुखा सकते हैं, बट मेरे पास बैल्कनी नहीं है इसलिए मैंने इसको बेडशीट में सुखाया था। तो अब हम शुरू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स से। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है ये अचार में डालने वाली दाल जिसे राई कूरिया कहते हैं, एंड 100 ग्राम्स कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, ये मैंने 100 ग्राम्स सौंफ और 100 ग्राम्स जीरा लेके उनको भून कर दोनों को एक साथ में ग्राइंड कर लिया है। कश्मीरी रेड चिली भी 100 ग्राम, एंड देन ये मेथी है जो अचार में डालने के लिए स्पेशली मिलता है, बट जो नॉर्मल मेथी है आप वो भी ले सकते हैं। ये आई थिंक 30 ग्राम्स 30-40 ग्राम्स के करीब मैंने लिया है। एंड देन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट मैंने ले लिया। एक बड़ा पॉट बर्तन जो भी मैंने ले लिया, इससे बड़ा मेरे पास नहीं था। तो अब हम इसमें सब सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। अब मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट एक एक करके इसमें डाल दूंगी जो भी मैंने आपको पहले दिखाया था वो सारे, और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ये मैंगो पे मैं ये मसाला मिक्स कर रही हूँ, मैंगो में डाल रही हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा कुछ है नहीं तो मैं हाफ हाफ करके इसको मिक्स करूंगी। अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। अब मैं जो मैंने आम मसाले में मिक्स किए हैं उन्हें मैं डाल दूंगी एक बॉक्स में। अभी मैंने आम डाल दिया बॉक्स में, और इसमें मस्टर्ड ऑयल जो गरम करके ठंडा करके मैंने रखा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो अभी इसमें इतना ऑयल डालेंगे कि ये थोड़ा सा ऑयल में थोड़ा डूब जाए, और 4-5 डेज अनटच रखेंगे। और उसके बाद हम निकाल के इसमें और थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालकर फिर इसे रख देंगे। बन गया हमारा अचार।